तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया USP में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो इस पहले वीडियो का जो है वो दूसरा पार्ट है, और इस पार्ट में भी पहले पार्ट में मैंने जो है वो बाबा जी के यहाँ की कहानी आपको बताई थी कि किस तरह से जो है वो कैंची धाम बना यहाँ पर, और 1940 के दशक में जो है यहाँ पर बाबा जी आए थे। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ बाबा जी के चमत्कार की हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बाबा जी के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी बताने जा रहा हूँ। इसका वर्णन अमेरिकी गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी बुक मैरिकल ऑफ लव में वर्णन किया है। रिचर्ड एल्पर्ट बाबा जी के संपर्क में आने से तथा उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर उनकी शरण में आ गया और अपना नाम रिचर्ड एल्पर्ट से बदलकर रामदास बन गया। कहते हैं कि एक बार बाबा जी जो है वो फतेहगढ़ यूपी में शाम के टाइम गए थे अपने भक्त के यहाँ, और उनके भक्त एक बुजुर्ग दंपति थी, और रात को वो वहीं ठहरे। और बाबा जी, वो गरीब दंपति थी, और बाबा जी ने कहा कि मैं आज यहीं रुकूंगा आपके पास। गरीब दंपति जी ने जो है वो बाबा को वहाँ पर एक चारपाई दी और उसमें एक कंबल दिया रहने के लिए। उनके पास और कुछ तो साधन था नहीं, लेकिन उनको ये बड़ी गलानी हो रही थी कि बाबा जी का हम इज्जत सत्कार जो है वो ढंग से नहीं कर पाए, और एक कंबल और चारपाई में ही बाबा जी रात को रहेंगे। बाबा जी ने कंबल ओढ़ा और चारपाई में जो है वो सो गए, और उनको ये लगा कि हम बाबा जी के कोई इज्जत खातिर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको रात भर नींद नहीं आई, और वो बाबा जी के इर्द गिर्द जो है वो बैठे रहे। बाबा जी रात भर जो है वो करवट बदलते रहे और कराहते रहे, इधर से उधर, उधर से उधर। उन्होंने सोचा कि बाबा जी को जो है वो अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन कहें कैसे बाबा जी को कि आपको क्या हो रहा है, वो कह भी नहीं सके। जब सवेरा हुआ तो बाबा जी ने वो कंबल जो है उनको दिया और कहा कि इस कंबल को जो है आप गंगा जी में बहा देना, और इस कंबल को खोलना मत, देखना मत कि इसके अंदर क्या है। और साथ में बाबा जी ने ये कहा कि आपका बेटा जो है वो एक महीने के बाद जो है वो लौट आएगा। तो और उसके बाद बाबा जी जो है वहाँ से चल दिए। तो बाबा जी के जाने के बाद जो है वो दंपति सवेरे जो है उस कंबल को लेके जो है गंगा जी में विसर्जन के लिए गए। एक बार लेकिन कंबल काफ़ी भारी लग रहा था, उस कंबल में ये लग रहा था कि कुछ लोहे का सामान जैसा लग रहा था। एक बार तो उन्होंने सोचा कि हम जो है वो खोल के देखते हैं कि इस कंबल में क्या है, लेकिन फिर बाबा जी की याद बताई हुई बात उनको याद आई, और उन्होंने कहा कि जो है वो देखना ठीक नहीं है, हम इसको विसर्जन कर देते हैं। तो उन्होंने जो है वो कंबल को जो है वो विसर्जन कर दिया, और ठीक एक महीने के बाद जो है उनका लड़का जो है वो छुट्टी काट के वो बर्मा बॉर्डर पे जो है वो उस समय लड़ाई चल रही थी, वो ब्रिटिश फौज के तरफ से जो है वो जापानी फौज के साथ लड़ रहे थे। वाह, तो बेटा आया, बेटे ने जो है आप बीती सुनाई कि मैं जो है लड़ाई से बड़ी मुश्किल से जो है वो बच के आ रहा हूँ। और कहते एक महीने पहले जो है वो जब हमारा जापानियों से जो है वो युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो है वो रात को काफ़ी गोलाबारी हुई, हमारे काफ़ी सैनिक जो है वो मारे गए, सिर्फ मैं ही बचा। मेरे कोई, मैं ये देख रहा था उस समय कि कोई चमत्कार हो रहा है कि जो गोलियां मेरे इर्द गिर्द से जा रही हैं लेकिन मेरे को नहीं लग रही हैं, और मैं बच गया। और सवेरे हमारी जो दूसरी टुकड़ी हमारे जहां मैं था वहां आ गई, और उसमें जापानी सैनिक जो है वो भाग गए। इस तरह जो है वो मेरी जान बची। तब उन बुजुर्ग दंपति को याद आया कि ठीक एक महीने पहले ही बाबा जी ने ये बताया था कि तुम्हारा बेटा जो है वो सुरक्षित घर आ जाएगा, और तब उनको याद आया कि उस दिन जो बाबा जी करा रहे थे तो वो वही जो गोलियां चल रही थी वही गोलियां इकट्ठा करके बाबा जी ने उस कंबल में मतलब अपनी शक्ति से जो है वो रखी और उसको विसर्जन के लिए कहा था।
तो इस प्रकार बाबा जी की अनेक कहानियाँ जो है, चमत्कार की अनेक कहानियाँ हैं। और बाबा जी जो है अपने भक्तों पे बड़ी कृपा करते थे। वो कहते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम जैसा ही आम आदमी हूँ, लेकिन मैं जो है वो एक दिशा बता देते थे आदमी को कि ताकि जो है उसके सारे काम जो है वो संपन्न हो जाते थे। तो इस प्रकार जो है वो बाबा जी की अनेकों कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है। ऐसे ही एक कहानी जो है वो बाबा जी की और है कि जब बाबा जी दिल्ली में बिरला हाउस में रुके हुए थे, तो वहाँ पर कुछ बांग्लादेशी भी आए हुए थे और सारे लोग जो है बाबा जी से मिल रहे थे। तो एक बांग्लादेशी भी बाबा जी से मिला। बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा तुम घर जाओ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा भाई जो है वो ठीक एक महीने के बाद जो है वो तुम्हारे राष्ट्र का जो है वो राष्ट्र पे, तुम्हारे राष्ट्र पे राज करेगा, और तुम जाओ। और बाबा जी ने इस प्रकार उसे जो है वो वहाँ से वापस कर दिया। और वो उसने सोचा कि मेरा भाई तो जो है वो पाकिस्तान के जेल में है और बाबा जी कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई राज करेगा, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक, वो अपने देश गया। उसके बाद जब बांग्लादेश बना और बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हुआ, तो उनका भाई जो वो था, उसका बड़ा भाई मुजफ्फर रहमान प्रथम जो है राष्ट्रपति बांग्लादेश के बने। और अब उनको बाबा जी की याद आई कि बाबा जी ने सही घोषणा की थी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा जी बताते थे। पहले ही उनको सिद्धि, उन्होंने जो है काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। कहते हैं कि उन्होंने जो है आज जब वो गुजरात में तप के लिए गए थे, तो वहां पर भी उन्होंने जो है आठ सिद्धियां प्राप्त की थी। तो वही सिद्धियां बाबा जी के पास थी जिनका वो उपयोग करते थे। और इस प्रकार जो है वो 1973 के इंतजार हो गए, वृंदावन में जो है वो बाबा जी ने जो है वो समाधि ली। यार मैं रात तुमने देखा ही नहीं, इधर को देख रही हो, क्या करो, किस तरह के अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।